देखिए आपको लेकर के चलते हैं रेवाड़ी के लियो चौक पर, जहां बकायदा एक कूड़ा घर बना हुआ है और ये कूड़ा घर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए जो आसपास के मोहल्ले पड़ते हैं वहां के लोगों ने लगातार प्रशासन से गुहार लगाई, शिकायत लगाई, मगर हल नहीं निकला। आखिर हार करके उन्होंने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव को इस बात की शिकायत की और जो रेवाड़ी के विधायक हैं जिनके सुपुत्र, उनको भी बताया। आपको बताएं पिछले दिनों उनके सुपुत्र भी यहाँ आए थे और आज उन्होंने जो है पूर्व मंत्री से इस बात की शिकायत की, तो उस बकायदा उस जगह का मुआयना करने के लिए इस बात की जानकारी जैसे ही शासन प्रशासन को लगी तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब पहुंचते हैं यहाँ पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, प्रशासन कैसे हरकत में आता है। यहाँ बकायदा जो है पाउडर का छिड़काव किया जाता है, डंपर जेसीबी मशीन से कूड़ा उठवाया जाता है। तो इसको लेकर के आखिर कब तक इन सब चीज़ों के लिए शासन प्रशासन को जगाने के लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको मैदान में आना पड़ेगा। आपको साथ में बता दें बहुत सारे पार्षद हैं जो इसको लेकर के परेशान हैं, उन्होंने भी कई बार गुहार लगाई, चाहे यहाँ की जो पार्षद है सुचित्रा चांदना है, चाहे और पार्षद है, तमाम पार्षदों ने, जो पूर्व पार्षद है वो भी यहाँ परेशान है, वो भी है। जब पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव यहाँ पहुँचे हैं तो उनके साथ वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने भी बकायदा कहा है कि बार बार वो यहाँ से कूड़ा घर हटवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अफसोस और शर्म की बात कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है उसी को लेकर के। और जो आसपास वहाँ घर बने हैं वो किस तरीके से परेशान है, जब हवा का झोंका चलता है तो सारी गंदगी की जो बदबू है वो उनके घरों में आती है। साथ के अंदर ही दीवार से सटा हुआ बीएमजी मॉल भी लगता है जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है, रेवाड़ी की शान है, लेकिन किस तरीके से इस कूड़ा घर की बदबू, सामूहिक स्थल वहाँ पर बना हुआ है समारोह स्थल, उसकी भी यानी कि आपको बताया चारों तरफ से किस तरीके से गंदगी का आलम है। और उसी को लेकर के यानी कि जो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे हैं उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए कि प्रशासन क्यों नहीं इसको यहाँ से हटवाता, जबकि बावल रोड के ऊपर जब हम जाएंगे NH 48 पर तो वहाँ डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है, ये शहर का कचरा पूरा का पूरा वहाँ जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसी को लेकर के क्या कुछ पूर्व मंत्री ने कहा, पार्षदों ने कहा और जो पूर्व पार्षद है जो आमजन है क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनाते हैं एक बार हम बारी बारी। आए हैं आज ये डंपिंग बना हुआ है लियो चौक पर, क्यों आना पड़ा, क्या वजह? देखो जी, मेरे को यहाँ के मोहल्ले वालों ने, मेरे साथ अपने रामजी लाल जी हैं XMC, अपने प्रजापत जी हैं, धनी राम जी, भाषी जी हैं, हरी सैनी जी हैं, यहाँ के जो दीपक सैनी हैं XMC, इस मोहल्ले में ये बिल्कुल मॉल के साथ है और यहाँ पर डंपिंग इन्होंने एरिया बना रखा है, जबकि ये कमेटी की जगह है। अगर डंपिंग करना है तो उनको जो डंपिंग एरिया बना रखा है वहाँ ले जाना चाहिए सीधा ट्रक, वो यहाँ आके क्यों डालते हैं? पहली बात तो कूड़े का निरस्तीकरण होना चाहिए। मेरी कल आशिमा सांगवान जी जो अभी जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया था, मेरी रात को उनसे बात हुई थी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का। और मेरे पास हमारे भाषी जी हैं जो यहीं रहते हैं यहाँ पर, और भी कुछ लोग यहाँ के युवक मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर रहना दुर्भर हो रहा है। अब ये देखिए ये जिनके मकान यहाँ पर हैं, ये हमारे ये सर, आप बताओ ये कैसे रह सकते हैं यहाँ शहर के अंदर? और भी बहुत अच्छे ऐसे डंपिंग, ऐसा ही डंपिंग जो है स्टेशन जो है इन्होंने कोर्ट रोड पर बना रखा था, वो रात को इन्होंने उठाया है। तो मेरी जो है जो हमारी अभी DMC आई हैं, जो हमारी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनसे डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो निर्देश दें कि कूड़े का निरस्तीकरण होना चाहिए, इसमें प्लास्टिक अलग करें, दूसरा गीला जो है कूड़ा अलग करें, और इस तरीके से जो है अगर शहर की अगर दुर्दशा बिगड़ेगी, यहाँ बीमारी हो जाएंगी लोगों को। यानी कि ये सामुदायिक केंद्र मैंने नया बनवाया था, डबल मंजिली मैंने पीछे बना रखा है, यहाँ पर आदमियों को खड़ा नहीं हो सकता, मक्खियाँ मच्छर और बुरा हाल था, डेंगू का वैसे और डेंगू का वैसे खतरा है। तो मेरा जो है आप लोग यहाँ आए, और मैं समझता हूँ प्रशासन को जाग जाना चाहिए। मैं हर सोमवार मंगलवार को रेवाड़ी आया करूँगा और मैं इसी प्रकार से कहीं भी किसी मोहल्ले में भी मुझे कोई परेशानी, चाहे वो सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, जाओ जब से सीवरेज का काम म्यूनिसिपल कमेटी के पास आया है इन लोगों ने धांधली मचा रखी है।
हमारी चेयरपर्सन जो है कभी आती नहीं है, ये काम उनका है कि उनको आगे देखना चाहिए था कि कमेटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। केवल आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी, काम करना पड़ेगा। अगर उस जिस पद पे वो विराजमान है उस पद की गरिमा को रखते हुए उनको टूर करना चाहिए जगह जगह जाकर। यहाँ के जो पार्षद हैं रंजना जी, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई जो है, क्योंकि आप जानते हैं उनके पति का जो है देहांत हो गया था, इसलिए वो ज़्यादा बाहर नहीं आ पा रही हैं। उनका भी फ़ोन मेरे पास आया था, तो हाँ तो उनका भी मेरे पास फ़ोन आया था। तो हमने जो है आज जो है जो ये कार्य हुआ है ये रोज़ होना चाहिए, लेकिन मैं सोमवार मंगलवार को शहर का इसी प्रकार से दौरा करता रहूँगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो मामला था संपूर्ण सिंह वाला, उसमें पलवल के एसपी को वो जो है जांच दे दी गई है। मैं आईजी साहब से जो हमारे हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दूध का दूध पानी होना चाहिए। कौन लोग थे इसके पीछे जो उस पर अटैक किया, और जो पट्टानामा है 2018 में समाप्त हो रहा था, उसकी भी डिटेल जो है सरकार को जाँच करके और तुरंत जो है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं शहर में, नशाखोरी जो हो रही है उस पर भी नियंत्रण। मैडम ये बताइए, आप दोनों पार्षद हैं, आपके वार्ड भी यहाँ पड़ते हैं, ये गंदगी का ढेर लगा रहता है, आज कैप्टन साहब को यहाँ आना पड़ा, क्या वजह है? नहीं ये तो हम तो पहले, हम कितनी देर पहले भी कमेटी में बोला है कि इसको उठाया जाए, पहले वहाँ था तो वहाँ से हटवाया, अब यहाँ बना दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, सभी को दिक्कत होती है। हम तो ये सरकार से मांग करते हैं और नगर परिषद से भी मांग करते हैं कि इसको हटाया जाए। आप पार्षद हैं, महिला चेयरमैन हैं, तो भी आपकी सुनवाई नहीं होती वहाँ पर? नहीं, हम कोशिश करते हैं, अपनी तो बात रखते हैं, मीटिंग है कल हमारी, उसमें रखेंगे बात, अपना तरीका हम तो उठाते हैं अपनी बात। तो मोहल्ले वाले परेशान हैं, आपको परेशानी होती है इन चीज़ों से कि मोहल्ले वाले आपके परेशान हैं वार्ड? नहीं तो ये परेशान है तो हम ही परेशान हैं, अगर हमारे वार्ड के लोग दुखी हैं तो इससे हमें दुख लगता है ना, कि ये काम तो जल्दी होना चाहिए और कोशिश करेंगे इसको करवाएंगे। ठीक है मैडम, आपको भी, आप भी पार्षद हैं यहाँ से, फिर दिक्कत कितनी होती है यहाँ पे? दिक्कत तो है ही, अब लोगों की दिक्कत हमारी दिक्कत है। हम, मैं भी बोल रही हूँ, कई बार वहाँ कंप्लेंट कर चुके हैं कि ये इतना कूड़ा उठाते क्यों नहीं हो, रोज की रोज चलो बना रखा है स्टेशन यहाँ पे डंपिंग, कम से कम रोज उठा लें तो 10-10, 15-15 दिन उठता ही नहीं है, ढेर बाहर गिरता रहता है, फोटोज भी भेजते हैं, डंपिंग ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल पूरी पब्लिक, इतने घर हैं यहाँ, डंपिंग होना ही नहीं चाहिए। डोर टू डोर जब पोच एरिया के अंदर मेन रोड, अब ये जानबूझ के बनाया हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर गलत है, ये कूड़ा इतना बाहर गिरा पड़ा होता है, लोग मुझे रोज वीडियो भेजते हैं कि देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, और मैं आगे भी दिखाती हूँ, ये करवाओ इसको साफ करवाओ, हम तो हटना, हम तो कहते हैं कि चार दीवारी कर रखी है ना इन्होंने, इसीलिए कर रखी है कि जनता आवाज ना उठाए और ये एक जगह नहीं। कैप्टन साहब आप यहाँ आए, देखिए पार्षद खुद परेशान है, आम आदमी का कैसे काम होता होगा? देखो मेरी पार्षदों से भी विनती है कि जो चेयरमैन को बाध्य करे कि कूड़ा जो है सीधा यहाँ नहीं गिरना चाहिए, ना कोर्ट रोड पे गिरना चाहिए, कूड़ा जो है ट्रक में डलना चाहिए, सीधा जो डंपिंग ग्राउंड है बावल के पास वहाँ ले जाना चाहिए। क्यों यहाँ पर जगह जगह डंपिंग, फिर यहाँ पर जो है ये लोग कैसे रहेंगे? अब ये मकान तो बिल्कुल सामने है, आप बताओ ये क्यों, ये कैसे रह सकते हैं यहाँ? नहीं अब तो गाड़ियाँ, अरे मेरे तो हाथ गाड़ी जो ये मोहल्ले वाले हैं, इधर वाले जो मोहल्ले वाले हैं, ये आपका छिपटवाड़ा वाड़ा और ये तोपची वाड़ा और ये इधर ये अपना खासापुरा मोहल्ले में वाले मेरे पास आए, बोले जी हवा इधर की चलती है तो हम रात को सो नहीं सकते हैं, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। इतना बड़ा मॉल बना हुआ है, कितनी पब्लिक आती है मॉल में भी, कितनी स्मेल आती है जब यहाँ पे डोर टू डोर होना चाहिए, डोर टू डोर लेके बाहर निकाले, डोर टू डोर जब बाहर बाहर ही निकाले, जब वैन ही लग गई है तो वैन यहाँ डाले तो बाहर ही ले जाए सीधा, वैसे भी यहाँ पे इतना कूड़ा इकट्ठे करने कर रही है। तो सरकार का सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, सामने सामुदायिक केंद्र है, उसके अंदर जब बारात रुकती है कितनी बदबू आती है, बाहर से आने वाले जो आदमी आते हैं शादी के अंदर वो भी बुरा सा महसूस करते हैं। अभी तमाम पार्षद हो, जब मीटिंग होती है वहाँ तो आप लोग नहीं उठाते ये मुद्दा, वहाँ भी आवाज उठाते हैं, वहाँ भी उठाया, बहुत बार हमने मुद्दा उठाया, बहुत बार उठाया, मैंने फर्स्ट वाली मीटिंग में भी उठाई थी आवाज, ये तो चलो फिर भी डंपिंग बना हुआ है, मेरे तो खुद ऑफिस के आगे कूड़ा इकट्ठा करते थे, उसके लिए मैंने इतनी आवाज उठाई, सुनाई होती ही नहीं है। ठीक है,
हमारे चार बंदे चले गए, यहाँ गुजर चुके और हमारा जीना आराम हो रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कोरोना काल है, सफाई रखी है, और ये कैसे सफाई कह रहे हैं आपके घर के बाहर ही है। क्या फायदा है उसका, क्या फायदा है सफाई का वो करने का, एक कूड़ा डालते हैं। हमारे हमारे बंदे कोई नहीं सुनता जी, कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। हमारे डीसी तक होया है, हम कोई भी नहीं सुनाई करता। कैसे रहते ऐसी गंदगी जी? हम बीमारियों से लड़ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम बीमारियों से लड़ रहे हैं, बहुत परेशान है, ये हटना ही चाहिए, बस यही चाहते हैं जी। हम तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बीमार, दवाइयाँ ला रहे हैं, हमें पता है मजदूरी करके आते हैं, दवाइयाँ भी लानी पड़ती है, बहुत परेशान है। मेरा नाम शर्मा है भाव जी, यहाँ जानवर भी गिर जाते हैं कहीं। अच्छा, मरे वो जानवर? हाँ जी, हाँ जी, और आसपास के गांव का सारा कूड़ा यहीं आता है, जानवर भी यहीं गिर जाते हैं। मेरा नाम शर्मा है जी। आपका भी घर यही है? ये बोलो। हाँ जी, अपने यही है, खासपुर वाले, हमारे डोलों की बस्ती है। हम इतने परेशान है भाव जी की बस भी, ये कूड़ादान यहाँ पहले नहीं था, ये अब अपने धक्के से बनाया है, तो पूरे सड़ रोड पे चोगुना माता हमारी साथ है, इसके पास पूरा नरक आप देख लो, सात किन्ना पड़ा है और रोड तक होता है, और हमारे अलग अलग बगल भी रात पब्लिक गिर जाती है बाहर।